नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा नवोदय विद्यालय समिति का जो है रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी टीचर की, इसमें जो है किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी गलती के। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को पूरी प्रोसेस बताऊँगा। जिन लोगों ने पहले ये वीडियो नहीं देखी है, किस कौन कौन सी जो है वैकेंसी है PGT TGT की, ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा, तो वो लोग ये पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही जो है ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग किस तरीके से जो है आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से जो है आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग को दिख रहा होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 एंड 2023, ठीक है, आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म जो है आ जाएगा, ये आपको जो है फॉर्म भरना है, ठीक है, पूरी डिटेल इसमें देनी है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 यहाँ पर दिया गया हुआ है। नेम आप लोग जो है कैंडिडेट नेम अपना डाल सकते हैं, मिडिल नेम आपका हो तो आप डाल दीजिएगा, लास्ट नेम आपको डालना है, आपका मदर नेम डालना है, फादर नेम आप लोग को डालना है, आईडी आप लोग कौन सी लगाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको आईडी नंबर देना होगा दोस्तों, आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिज स्टेटस जो है आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल हैं कि मैरिड हैं, नेशनलिटी यहाँ पर आपको रिलीजन अपना जो है सेलेक्ट करना है दोस्तों, आप लोग कौन से रिलीजन से जो है आते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आप लोग जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग कैटेगरी जो है सेलेक्ट कीजिएगा, मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है डिटेल आप लोग को फिलअप कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मैरिज स्टेटस, तो आप लोग जो है यहाँ पर मैरिज स्टेटस जो यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है यू आर डिफरेंटली एबल्ड विथ 40% और अबाव डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर जो है आप लोग को नो सेलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा आर यू आर रेगुलर NVS एम्प्लॉय, क्या आप लोग जो है ऑलरेडी NVS के एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग को जो है येस और नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग को दिया गया हुआ है यहाँ पर, क्या आप लोग अभी आप लोग और भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है क्या दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आप लोग को सिलेक्ट करना है येस या नो, ठीक है। यहाँ पर आएगा यू आर द ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर कैंट के बारे में डिटेल दी गई है, तो आप लोग को येस और नो यहाँ पर डिटेल फिर क्लिक कर लेना है, ठीक है, हम लोग नो कर लिया है। यहाँ पर आएगा आर यू आर एक्स सर्विसन, क्या आप लोग किसी एक्स सर्विसन में, तो आप लोग को यहाँ पर नो पे क्लिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोस्तों डाल लेना है, आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर जो है सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। एड्रेस आप लोग को जो है यहाँ पर देना है दोस्तों, तो आप लोग जो है यहाँ पर एड्रेस दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है एड्रेस टू आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से जो है आप लोग दोस्तों आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप लोग को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जब से आप लोग स्टेट डालेंगे तो आप लोग के जो है डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। पिन कोड डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, अपने जो है डिस्ट्रिक्ट का। मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पर दोस्तों देनी है। उसके बाद कौन सी जो है पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मल्टीपली जो है आप लोग कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो प्रिंसिपल की पोस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट TGT PGT की दोस्तों यहाँ पर पोस्ट हैं, तो आप लोग जो है इसमें मल्टीपली जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोग जो है एक भी फॉर्म भर सकते हैं। PGT का अगर आप लोग को भरना है तो आप लोग जो है वो भी यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। PGT में जो है कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो है इस पे जाकर दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। PGT की क्या क्वालिफिकेशन मांगा है यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई हुई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है अब हम लोग इसमें आगे जो है इसको पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है अभी इसका TGT का फॉर्म भरते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम TGT यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आपको फॉर्म भरना है आप लोग वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट से जो है आप लोग को ये फॉर्म भरना है, ठीक है, क्या सब्जेक्ट था आप लोग का, तो आप लोग जो है हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। कोड जो यहाँ पर मांगा है तो आप लोग जो है कोड यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोगों से मांगा है डू यू पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो आप लोग को यहाँ पर जो है येस देना है दोस्तों, ठीक है। यू आर क्वालिफाइड CPT, ये आप क्वालिफाई हो, येस आप लोग को देना है। सिलेक्ट लैंग्वेज फॉर पार्ट फोर्थ ऑफ द टेस्ट, तो आप लोग को यहाँ पर भी जो है सिलेक्ट कर लेना है, तो किससे जो है आप लोग जो है कौन सी लैंग्वेज से, तो हिंदी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें जो है PDF में पूरी डिटेल दोस्तों देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है TGT की PGT की यहाँ पर आपको पूरा टेबल दिया गया हुआ है, तो आप लोग जो है इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरी चीज़ें, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म को हम लोग और जो है इसमें डिटेल वो भर लेते हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप लोग जो है यहाँ पर
और भी पोस्ट होगा जैसे मैंने बताया था, आप लोग जो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को नहीं करना है, सिर्फ टीजीटी के लिए करना है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, डू यू फुलफिल रिजल्ट क्वालिफिकेशन? तो आप लोग जो है यहाँ पर येस कीजिएगा। इस पर जो है आपको फर्स्ट प्योरिटी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग इसको येस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पर्सन प्रेफरेंस मांगा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें सेंटर प्रेफरेंस दे सकते हैं, कहाँ पर जो है आप लोग को अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने की जो है डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो आप इसमें जो भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्वालियर कर लेता हूँ। दूसरा प्रेफरेंस जो है मैं इसमें यहाँ पर भोपाल डाल देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भी जो है इसे डिटेल यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं एक यहाँ पर उज्जैन डाल देता हूँ, यहाँ पर जो भी कोई सेंटर है। तो आप लोग जो है इस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने सेंटर दोस्तों डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर अपना आप लोग को क्वालिफिकेशन देना है। ठीक है, कौन से ईयर में जो है आप लोगों ने 10th पास किया था, तो आप लोग जो है यहाँ पर अपना ईयर डालिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी बोर्ड है तो आप लोग जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया परसेंटेज, जैसे आप लोग से यहाँ मांग रहा है तो आप लोग जो है यहाँ पर परसेंटेज मांगिएगा दोस्तों, परसेंटेज डाल दीजिएगा। 12th कब पास की थी तो आप लोग वो डिटेल ईयर डालिएगा, कौन से बोर्ड से पास की थी, CBSE या MP बोर्ड। तो आप लोग वो जो भी बोर्ड था आपका आप वो डिटेल यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा अगर कोई है तो आप डिटेल दे सकते हैं। BA डिग्री जो है नेम ऑफ डिग्री यहाँ पर मांगा गया, तो आप लोग यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन से ईयर में जो है आप लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर भी जो है डिटेल दोस्तों दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ यहाँ पर डिटेल दे दीजिएगा। ठीक है, कहाँ से आपने किया है, यहाँ पर जो है परसेंट आपके कितने थे। ठीक है, ग्रेजुएशन जो है आप लोग यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, आप लोग का जो है ग्रेजुएशन क्या था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल दे दिएगा। कोई भी और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप लोग जो है यहाँ पर डिटेल दोस्तों दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी डिटेल दे दीजिएगा। यहाँ पर जो है कैप्शन मांग रहा है तो आप लोग कैप्शन डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग कैप्शन फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर सेव कर देना है। आप लोग जो है अपनी प्रोफाइल जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग के पास जो है क्या आएगा, फ़ोटो अपलोड करने की जो है यहाँ पर डिटेल ये मांगेगा। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो भी आपने डिटेल दी हुई थी वो लोग आप लोग पूरी डिटेल यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों ने डिटेल दी थी दोस्तों इस फॉर्म में आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है डिटेल यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने अपना क्वालिफिकेशन डाला था यहाँ पर दिया हुआ है, पूरे टेबल पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और अब जो है ऑप्शन आएगा फ़ोटो अपलोड करने का, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग अगर कोई गलती हो गई तो एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो प्रोसेस टू अपलोड फोटो पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग प्रोसेस टू अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों से फोटो अपलोड करने के लिए मांगेगा दोस्तों, और सिग्नेचर के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से जो है फोटो अपलोड करने के लिए मांग रहा है। ठीक है, और इधर जो है राइट साइड में सिग्नेचर मांग रहा है, तो आप लोग जो है फोटो अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का नेम आप लोग को दिखेगा, आपकी आईडी दिखेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर अपना जो है फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग साइज ही जो है यहाँ पर आप लोग अपलोड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे सिग्नेचर भी जो है अपलोड यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है फोटो भी अपलोड हो गई है। उसके बाद क्लिक टू प्रोसेस फॉर पेमेंट का ऑप्शन आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरा सिग्नेचर बड़ा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है इस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस साइज़ में यहाँ पर जो है सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको एडिट कर लीजिएगा, साइज़ कम कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग अपलोड कर लेंगे अपना सिग्नेचर तो क्लिक टू प्रोसेस टू पेमेंट पर आएगा। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोग से जो है यहाँ पर फीस लगेगी। ठीक है, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर दोस्तों फीस दी गई हुई है। ठीक है, तो आप लोग जो है फीस देख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कितनी जो है फीस लगेगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग फीस देख सकते हैं, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000, PGT के लिए जो है 1800 और TGT के लिए जो है 1500। यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आप लोग फीस देख सकते हैं। ठीक है, SC ST की जो है यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है कोई फीस नहीं लगेगी दोस्तों। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों पूरी प्रोसेस आप लोग को समझ में आई होगी किस तरीके से जो है आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, हर एक चीज़ आप लोग को। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं इसी तरह की जो है जॉब अपडेट्स वीडियो आप लोग को जो है मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो दोस्तों आप लोग जो है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।